फिंगर क्रॉस्ड भगवान सब सही कर देना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद ऐसे वीडियो शूट कर रही हूँ, और हाँ, ये शायद मेरा एक रेगुलर डायलॉग हो गया कि मैं हर वीडियो में यही बोलती रहती हूँ कि हाँ, आज मैं बहुत टाइम के बाद शूट कर रही हूँ। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा अनप्लान वीडियो होने वाली है, और आज मैं करने वाली हूँ अपना हेयर कट। बाल नीचे के थोड़े से रफ हो गए थे, और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे खुद से ट्रिम करूं। तो लास्ट टाइम जब मैंने हेयर कट करवाया था तो मैंने सैलून में करवाया था, वो भी दिसंबर में। तो अब काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मुझे लगा कि एक न्यू हेयर कट ले लेना चाहिए। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि आज मैं अपने घर पर बैठ के इसे काटने वाली हूँ। मैंने पहले भी बाल काटा हुआ है, बट बस ऐसे ही काम चलाओ मैं काट लेती थी। तो बेसिकली आज मेरी मम्मी नहीं है, इसलिए मैं ये हिम्मत कर पा रही हूँ। मम्मी ना होने का फ़ायदा उठा रही हूँ आज मैं अपने हेयर्स के साथ। तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल हेयर कट नहीं हूँ, मुझे हेयर कट करना उतना अच्छे तरीके से नहीं आता है, बट मैं फिर भी आज अपना हेयर कट करने वाली हूँ। तो आप इसे बिल्कुल भी अपने घर पर ट्राई ना करें, वो भी मेरा हेयर कट देख के। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है वो मेरा रेगुलर टी शर्ट है। मैं घर के कपड़े पे ही काटना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने न्यू क्लोथ्स में मैं बिल्कुल नहीं काटना चाहती, क्योंकि उसमें फिर बाल चिपक जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ घर के कपड़े पे मैं काट रही हूँ। अब मैं अपने हेयर कट करने वाली हूँ, तो मेरे सामने यहाँ पर मिरर है, तो मैं यहाँ देख के काटूंगी, और आप मुझे बिल्कुल देखते रहिएगा ध्यान से कि मैं कैसे हेयर कट करती हूँ अपनी। तो मैंने सोचा तो नहीं कि मैं कौन से हेयर कट करूँगी, बट पिछले बार मैं जब हेयर कट करवाई थी तब मैंने लेयर हेयर कट करवाया था। यू कैन सी, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ मैंने लेयर हेयर कट करवाया था, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जो लेयर्स कटवाए थे वो मैं हटा के तो नहीं, बट मैं यू शेप में लाने की कोशिश करूँगी। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं इतनी प्रोफेशनल हूँ, मैंने भी कुछ वीडियोस देखी हैं, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ इसीलिए। तो चलिए हेयर कट करना स्टार्ट करते हैं। फिंगर क्रॉस्ड भगवान सब सही कर देना। मैंने अपने हेयर के पार्टीशंस कर लिए थे। ये बाल मेरे अभी भी थोड़े से गीले हो रखे हैं, क्योंकि मैं जस्ट अभी नहा धो के बैठी हूँ शूट करने के लिए।
अपना फाइनली हेयर कट कर लिया है और आई लाइक इट। मैं सोची थी कि मैं यू कट काटूंगी बट पता नहीं है कौन सा कट कटा, तो जैसे कट दिया मैं वैसे ही काट ली। और या मुझे अब अपने हेयर पहले से ज़्यादा हेल्दी लग रहे हैं और या मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए अपना ये न्यू हेयर कट जिसका कुछ नाम नहीं है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ गाइस शेयर करिएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। एक कमेंट तो छोड़ के ही जाना क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है। तो या गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।